कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जरा मैं अपने गांव तक जा रही हूँ, आपको भी वहाँ गांव दिखाऊंगी पूरा, हमारा गांव कैसा है। मौसम तो ख़राब ही हो रहा है, बारिश हो रही है, आपको पता ही है, 3-4 दिन का अलर्ट बताया है उत्तराखंड में। तो जाना ज़रूरी भी है, इसलिए सोचा कि चलिए थोड़ा आपको भी गाँव की सैर कराएंगे। आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। आ गए हैं हम अपने गाँव की तरफ। ये रास्ता हमारे गाँव को जाता है। बजोली गांव देखिए, दिख नहीं रहा यहाँ से, नीचे से थोड़ा एक दो घर ही दिख रहे हैं। उधर का तो वो बन नहीं गया यार, यही है हमारा गांव। कोई नहीं जा रहा, तुम्हारी गाड़ी है। थोड़ा आज गांव मिलाते हैं, काफी दिन हो गए थे गए नहीं है। ये है सीढ़ियां गांव की। देखिए गांव में पापड़ हो रहा है और हल्दी हो रही है। ये हल्दी की खेती की है, और ये पापड़ अरबी बो रखे हैं, और अदरक और भिंडी चौलाई, ये बेल लगा रखी काफ़ी, कद्दू लौकी की, और ये तुरई हो रही है। देखो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये तुरई की बेल में आप देख सकते हैं तुरई हो रही है बहुत। ये कद्दू लौकी और ये हरी मिर्चें लगाई हैं बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप हरी मिर्चें। गांव का कल्चर बड़ा अच्छा होता है। ये बहुत हरी मिर्चें लगी हैं इनमें चारों तरफ। ये हरी मिर्च की पूरी खेती की है यहाँ पे, तो हरी मिर्चें हो रही हैं, आपको बड़ा करके दिखाया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, फ्रेश बिल्कुल ताज़ी हरी मिर्चें। ये देखिए बेल लगा रखी, इसमें लौकी लगी हुई है, ये बहुत सारी लौकी लगी है, इधर से कवर नहीं हो पा रहा है। और ये भिंडी बो रखी है, भिंडी हो रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये सब ये भिंडी के पेड़ भी लगा रखे हैं, तुरई भी हो रही है, लौकी भी हो रही है। इधर थोड़ा सा ये फूल फूल बो रखे हैं इन्होंने, घास हो रही बहुत। ये एक घर ये है। दोस्तों ये है हमारे गांव का घर, और ये है हमारा गांव जहां हम आए हैं आज। बहुत कम आना हो पाता है यहाँ पर, तो देख रहे हैं आप बहुत डार्कनेस है, थोड़ा सा अंधेरा है। और एक पूसी बैठी है ये गांव की, ये देखो म्याऊं कह रही है, इसका नाम मोना है। और यहाँ ये हमारा पुश्तैनी घर है, देख सकते हैं आप। ये पूरा लकड़ी की पार्टी ऐसे डली रहती है यहाँ पर, ये एंटीक हाउस कह सकते हैं आप। ये हमारा भगवान जी का मंदिर है। ये देखिए ये सब हमारा घर है, पुश्तैनी गांव जहां हम आए हैं। ये पूरा लकड़ी का बना है, आप देख सकते हैं।
घरों के गांव के घर ऐसे ही होते हैं फिर क्यों? एक कमरा ये है और एक छोटा सा कमरा ये है, बहुत अंधेरा हो रहा है पर यहाँ भी कभी कभी आना होता है हमारा। ये मिट्टी से लिपाई कर रखी है यहाँ, ये पुराना क्या कहते हैं इसको, नारी ये तौला, ओ ये ये तौला कहते हैं। तो हाँ ये तौला, ये कमरा ये है लेकिन अंधेरा बहुत हो रहा है, बहुत ही अंधेरा हो रहा है। ये पुराने एंटिक बर्तन देख सकते हैं आप, पुराने स्टाइल का। ये देखो ये जो घर खिड़कियां हैं आप देख सकते हैं पुरानी, इस तरह की खिड़कियां हैं हमारे वहाँ। और ये है हमारी देरानी जगदीश की, ये है मेरी छोटी देरानी, ये यहाँ बैठे हैं। यहाँ से उतरने की सीढ़ियाँ हैं देखिए आप, ये खोली वाला मकान है आप देख सकते हैं। मेरा जूता कहाँ है आस्था? लेके आ तू, आस्था तू ले क्या? ये देखिए इस तरह का मकान है हमारा, ये पैतृक। और ये आसपास खेत के व्यू आप देख सकते हैं चारों तरफ, हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी। इसमें तुरई हो रही है देखिए, ये तुरई की कितनी अच्छी, ये जगह जगह तुरइयां लगी हैं इसमें, बहुत बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी ये खाते हैं। ये है भिंडी, ये भिंडी देखिए आप, ये बीज के लिए रखे हैं शायद भिंडी की सब्जी। ये भिंडी की खेती हो रही है, पूरी मिर्च की खेती है देखिए आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ बहुत मिर्च हो रही है। लौकी की बेल लगा रखी है, अगर पानी डाल दिया जाए बारो मास, ये पूरी मिर्च की खेती है। चारों तरफ पूरा ही मिर्च कर, ये नीचे मूली बो रखी है अभी, यार पानी बहुत उधर मूली नहीं है, सब बेचते हैं उधर को। ये मूली बो रखी है अभी और सोयाबीन, मूली और बसोली से ऊपर, बिनसर से नीचे बसोली से ऊपर, ये है तुरे की सब्जी खाएगा। ये और ये है हमारा घर पुराना, खाई होगी पता ही नहीं चला। यहाँ की भी गांव में तो सारी टपकी सही लगते हैं ना, एकदम घुटे हुए गले में होते हैं, थोड़ा सा नया बनाया है पोर्शन, तो मजा आता है। तुरई उरई मैंने कभी खाई नहीं ना, झूठ बोल रहा है, माना तो थोड़ा गया। इतनी टेस्टी खाना खाता है, और बताओ ये बाखली है, पर ये हम घर ऊपर को हैं सारे, और यहाँ पर हम ही दो लोगों का घर है। ये वाला घर भी हमारे ससुर जी का है, ये अभी लगाया है कुछ टाइम पहले, और ये ऊपर घर है। यहाँ से ऊपर आबादी बहुत है लेकिन मैं यहीं तक आई हूँ। हाँ हम लोगों के लिए रखना जितने हम लोगों के लिए है। ये तुरई की सब्जी बनाएंगे आज हम घर फ्रेश, अभी दिखाएंगे आपको। यहाँ से हम तुरई तोड़ के ले जा रहे हैं, ये है मेरा हमारा घर पुश्तैनी जो है पूरा। ये देखो बेल से तुरई तोड़ रहे हैं, यहाँ से हम घर फ्रेश तुरई घर ले जाएंगे। ये वो तोड़ रही हैं देखो, जराती लेके तोड़ के आ गई हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक है। ये पूरी ताजी तुरई तोड़ के सब्जी बनेगी इसकी अभी घर में। बहुत ही है ये, बस 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 बस, ये बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी को मत तोड़। हाँ मैच्योर हो गई, वो ये छोटे अभी तेर। हाँ ये है क्या, हाँ ये हो जाते हैं हमारे लिए। कद्दू? हाँ कद्दू तो है, हाँ लौकी नहीं है ना, ना कद्दू है, लौकी खाते ही नहीं। कद्दू खाती है, खाते हो ताजी क्या? कद्दू ले चले, एक तो है कद्दू खा के। हाँ ये सारी तुरैया देखो, ताजी तुरई, ये देवर के हाथ में तुरई देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्रेश तुरई बनाएंगे हम आज। ये पूरा लोई की कढ़ाई में, आज पहली बार बना रही हूँ मैं ये गांव का वीडियो आपके लिए।
एक हमारे बिरादरी रहते हैं, देखिए इतनी दूर घर है ये, ये नदी है पड़ती है बीच में, तो नदी के उस पार जंगल में इनका घर है, बहुत दूर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से देखिए कितना दूर दिख रहा है। ये फ्रेश हरी मिर्चें देखो ये तोड़ रहे हैं हम, हरी मिर्चें कितनी हो रही हैं, बिल्कुल ताजी फ्रेश, बड़ी वहाँ फिर बड़ी तो फ्रेश, छोटी फ्रेश हरी मिर्चें तोड़ रहे हैं। हाँ वो दिख नहीं रहा व्यू अभी बादल की वजह से, पूरी हरी मिर्चें बो रखी हैं इधर चारों तरफ। हाँ ये अच्छा दिख रहा है नेचुरल, ये पेड़ इसमें हरी मिर्चें होती रही हैं, ये पक भी गई हैं कुछ हरी मिर्चें। ये गुलाब का पेड़ है ना, ऐसा फूल नहीं है, ये हरी मिर्चें कहीं कहीं पक गई हैं, आप देख सकते हैं ये ताज़ी मिर्चें तो एकदम सख्त। हाँ ये ताज़ी मिर्चें वहाँ से अंकुर तोड़ रहा है, बेल से तोड़ रहे हैं वो, बस थोड़ी चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं, एकदम ताज़ी है, एक बाइट लेके देखो क्यों लूँ, ये देख सकते हैं आप पूरा ये नजारा देखिए कितना खूबसूरत हरा भरा है। ये बैठे हैं पीछे बच्चे और ये दिख रहा घर थोड़ा थोड़ा, ये देखिए ये बड़ी छोटी दरानी है, ये भी छोटी दरानी है, चेतना को शर्म आ जा रही है, बताओ है चेतना, ये बच्चे ये बैठ गई, ये भाग गए, इसको शर्म आ रही दया को। ये सोयाबीन बोई है यहाँ पे, पूरी खेती कर रखी है सोयाबीन की, आप देख सकते हैं ऐसे ये सोयाबीन ही सोयाबीन हो रही जगह जगह रास्ते से इधर को। ये खुला है यहाँ पर एक रिजॉर्ट, देखिए आप गांव में सड़क भी बना दी है इन्होंने, हमारी लैंड है ये और बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर हमारा। ये हम सड़क पर आ गए हैं अब, आस्था फोटो बना रही है अपने लिए, ये देख सकते हैं आप बहुत सुंदर आसपास लग रहा है, ये पूरे पेड़ से घिरा पड़ा है, बहुत घने पेड़ यहाँ है आसपास, पीछे कितना अच्छा दिखाई दे रहा है देखो कोहरे से, है ना सर, कोहरा बहुत छाया है यहाँ पे, ये कोहरे से ऐसा लग रहा है बिल्कुल, आहा क्या दिखने में लग रहा है, बहुत सुंदर होते हैं पहाड़ के लोग, बारिश हो रही है छाता रख के फिर भी वो जा रही हैं आटा लेके। ये हमारे गांव की हैं छाते में ढके ले जा रही हैं, देखो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा जंगल, ये देखिए पूरा जंगल, जैसे गांव से निकले पूरी धुंध छा गई है सब, आप देख सकते हैं काफी दूर तक तो नहीं दिख रहा, बस गाड़ी के पास पास से दिख रहा है पूरा, रहने दो पूरा कैसा हो गया देखिए, पूरा सुनाओ तब जाने। इतनी बारिश हो रही है कि जगह जगह पानी ऐसे झरने के रूप में बह रहा है, आप देख सकते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है, और ये बारिश में ही मैं बना रही हूँ, आप देखिए कितना पानी बह रहा है, ये पूरा फोर्स से पूरा झरना बहने लग गया है इससे, ये देखिए दोस्तों एक यहाँ बह रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो अपने आप ही नेचुरल वाटरफॉल शुरू फाउंटेन शुरू हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ हमारे अलावा और भी बंदे खड़े हैं, ये कितना पानी तेज बह रहा है आप देख सकते हैं, ये पता नहीं बारिश की वजह से कहाँ से आ रहा है, इसमें बहुत तेज जोर से गिर रहा है ऊपर से, पता नहीं कहाँ से गिर रहा है, और नीचे की स्पीड से नीचे गिर रहा है यहाँ पत्थर के, और यहाँ बीच सड़क के किनारे गिर रहा है, तो आप भी इसका आनंद लें, तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, बारिश बहुत हो रही है। तो दोस्तों अब पहुँच गए हैं अल्मोड़ा प्रॉपर, और यहाँ भी मौसम ऐसी बारिश जारी हो रही, बहुत कोहरा भी हो रहा है, तो ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे,
अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। बहुत प्यार साथ आपने दिया है, उम्मीद करते हैं ऐसे ही देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइस, टेक केयर।